रंग बरसे भीगे पेंटिंग हमारी रंग बरसे। वाह क्या बात है, ये देखो हम कुकुरवा का पेंटिंग बना रहे हैं। ये में हमें पूरे रिपुनवा के दादा नजर आ रहे हैं, और कल हम खते का पेंटिंग बना रहे थे उसमें पूरा हमें रिपुन नजर आ रहा था। प्रणाम लोग वालोगन के, हमार नाम वा फुलौरी देवी ता स्वागत करत बानी आपका रोज होई भोज सीजन 3 में। और हाँ आपको बता दूं, हम बचपन से ही बहुत बड़े कलाकार हैं। अरे पता है क्या हुआ, दिवाली में हम क्या करते थे ना, दीवारों पे लिख देते थे खदे का सपूत यहाँ मत, समझ गए ना। और हमरी वजह से ही हमरी बुआ का शादी हुआ है। अरे हम हर चौराहे की दीवारों पे उनका नंबर लिख दिए तो 100-150 में से किसी एक के साथ तो हमरी बुआ फरार। अब उनकी जिंदगी तो सेट हो ही गई, और हमरे जो बाबूजी हैं उनका पैसा भी बच गया। अब देखो भैया, लेकिन हम मनोरंजन से नहीं बच सकते, इस शो में बहुत ही मनोरंजन होने वाला है, तो तुम थाम के बैठिए क्योंकि अब हमरा पोता रिपनवा आने वाला है। स्वागत बा, स्वागत बा हमरा, और आप सबका भी स्वागत बा एक बार फिर से रोज हुई भोज सीजन 3 को, प्रेजेंटेड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में। और मैं हूँ आपका अपना होस्ट शेफ रिपुदम हांडा। चलिए लेते हैं परिचय हमारे आज के मेहमान का। मेरा नाम देवंती देवी है, नमस्ते कर रही हूँ। देवी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ये नमस्ते दादी, आपका मंदिर कहाँ है? मेरा कंकड़ बाग में मेरा घर है। अरे भैया उनका कंकड़ काहे मार रही हैं आप? दादी आपका चरण में हम हूँ, आप अपना चरण दीजिए। दादी आपको याद है, आप जब देखने आई थी तो आप हमें गले मिले थे, आपका चरण में मेरा है सब कुछ है। दिवंदी जी सबसे पहले बता दूं हमारे शो के बारे में, जिस तरह आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा शो है खाना बनाने का, यानी कि यहाँ पे लगता है खाने को तड़का, और साथ ही साथ लगता है तड़का दादी के खजाने को लूटने का। अब देखिए लूटेंगे कैसे दादी का खजाना, मैं आपको वो बताता हूँ। आपको दादी के खजाने के लूटने के लिए करनी पड़ेगी जम तोड़ के मेहनत। सबसे पहले दादी आपको मार्क्स देगी 20 में से आपकी डांस परफॉर्मेंस पे, उसके बाद दादी आपको मार्क्स देगी दादी के नुस्खे पे, यानी कि दादी आपसे पूछेगी कुछ सवाल, उन सवालों का देना है आपको जवाब, और तीसरा और आखिरी जो है वो है खाने का दम, यानी कि आप बनाएंगे खाना हमारी दादी के लिए और दर्शकों के लिए, और दादी आपको पूरे अंक देगी 20 में से, तो कुल मिला के हो गए 50 अंक। अब इन 50 अंक के बदले में आपको मिलेगा क्या, पूछिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा फिर? और आपको मिलेगा दादी का खजाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पहले कदम से जो है हमारी डांस परफॉर्मेंस। पूछते हैं हमारी दादी से कि आप दादी को हमारा डांस कैसा लगा। ये दादी बताइए कितने मार्क्स देंगे डांस परफॉर्मेंस? दादी कितने देंगे मार्क्स? अच्छा देवी जी आपने जो नृत्य किया है ना, हम उसके लिए आपको 20 में से पूरे 15 नंबर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दादी। अब देखिए 15 मार्क्स तो अभी आपको पहले पड़ाव पे मिले हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे पड़ाव हैं, तो आपको 15 मार्क्स के लिए मिलता है दादी के खजाने से ये तोहफा। अब बारी है अगले पड़ाव की, तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें अपनी रसोई में। जी दादी एक बात बताइए, ये हम दोनों का कपड़ा सेम कैसे है? चुराया ना मेरा कपड़ा भाई? अब दादी की हरकत वही है ना, जितना कपड़ा मुझ पे लगता है जो बचता है वो खुद रख लेती है। नहीं नहीं, हाँ जी हम बोल रहे थे कि हमारे जो बचवा है उके भी कछु बना दो हमारे कपड़े से। कछु नहीं, ये कुर्ता पजामा बनाया है मेरे शेरवानी स्टाइल पे। चलिए अब किचन में जाने से पहले हम देवी जी से पूछते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप खाना बनाती हैं? हाँ खाना बनाती हूँ। सबसे अच्छा क्या चीज बनाती है जो खाते ही आपके पति बोलते हैं आई लव यू? मैं सबसे अच्छा चाट बनाती हूँ। हाँ जी बहुत अच्छा बनाती हूँ चाट। किसको चाटती हो? मैं
मैं सिर्फ चाट बनाती हूँ और चाट खाते हैं मेरे पति। तो नहीं, वही तो पूछ रहे किसको चाटती हो। चाटती नहीं, आप दिमाग चाट रही है अभी। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप जब भी चाट बनाते हैं कि समझिए आपके पति ने चाट खाई और जुबान से बोलता है बेबी आई लव यू। बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आई लव यू। तो आप आई लव यू टू बोलेगी नहीं बोलेगी उनको? जी बोलूंगी। कैसे बोलेंगी? एकदम बोलूंगी आई लव यू टू। क्या बात है। तो चलिए प्यार की शुरुआत हो चुकी है, अब चलते हमारी रसोई में और वहां पे भी हम आप सबके लिए बनाते हैं कुछ खास पकवान ताकि आप भी घर बैठ के बोल सके आई लव यू। चलो यार, देवी को बिगाड़ रहा है बिल्कुल। अरे दादी, इसको प्यार का एहसास करना कहते हैं, बिगाड़ना नहीं कहते। देवी को चलिए चलिए देवी जी, इनका काम तो यही बोलना। अच्छा बनाए। तो लीजिए मैम, ये है हमारा किचन जहाँ पे हम लगाने वाले हैं तड़का। हाँ। कैसा लगा किचन आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा तो है, लेकिन ये बताइए कि आज हम बनाने के जा रहे हैं? आज हम लोग सेव की सब्जी बनाएंगे। सेव और टमाटर की सब्जी? सेव और टमाटर की सब्जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आप रेसिपी अपने घर पे भी बनाते हैं? तो सबसे शुरुआत कहाँ से की जाए? चूल्हा जलाएंगे। चलिए चलिए इसमें डालते हैं हम इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इस पे धास है तभी ये खास है। डालते एक बड़ा चम्मच। तो सबसे पहले क्या डालेंगे इसमें हम? सरसों डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम एक छोटा चम्मच सरसों और जीरा डालेंगे। साथ ही में जीरा डालेंगे। ठीक है, डालते इसमें एक छोटा चम्मच हम जीरा। चलिए डालते इसमें हम ये हरी मिर्च। हाँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो आपके घर में टमाटर और सेब का सब्जी बनता है? हाँ, बनता है। चलिए डालते हैं इसमें ये बारीक प्योर किया हुआ टमाटर। इसमें मसाला डालेंगे। ठीक है, मसाला डालते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक डाली, चाट मसाला डाली। अब इसको पकाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत देखिए इसका रंग एकदम बदल गया है ना। हाँ, एकदम बदल गया। अच्छा, इसमें ये बताइए कि इसमें सेब के अलावा हम क्या डाल सकते हैं? पनीर भी डाल सकते हैं और आलू भी डाल सकते हैं। जो मन चाहे वो सब्जी डाल सकते हैं। कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। अच्छा, पानी कब डालेंगे इसके अंदर? अब डलाएगा पानी। डालते पानी थोड़ा। हाँ। चलिए डालते हैं इसमें ये थोड़ा सा पानी। पता? चलिए इसको पकाते हैं अच्छी तरह से हम। वो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा, सेव टमाटर जो डिश है, अरे दादी जब भी हम बोलते तभी आप बीच में आती है। चलिए पहले बता देता हूँ दादी, आज बनने जा रहा है यहाँ पे सेव टमाटर। अच्छा, सेव टमाटर। अच्छा चलिए बताता हूँ दादी, ये जो डिश है सेव और टमाटर, ये आती है गुजरात से। अब आपने कहाँ खाई थी इसको? गुजरात में। अच्छा, गुजरात में खाई थी आपने? जी। तो आपने क्या सोचा कि मैं इसको बिहार में अपने घर पे क्यों बनाऊँ? बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा, अच्छा लगी थी इसके लिए? हाँ, मैं वहाँ पर खाई थी गुजरात में, तो यहाँ पर बना रही मैं। बहुत बढ़िया, और हमारी दादी को भी बहुत पसंद आएगी। दादी को सुना है? ये तो देवी जी का प्रसाद बा। बिल्कुल सही बात कही। अब देखिए देवी जी का जो प्रसाद है वो ऑलमोस्ट बन चुका है यहाँ पे। अब दादी बताइए कि आज पिटारे में क्या है? पिटारे में हमारा आज का ये सवाल है कि गरम मसाले वो सब जो भी मैं डाली हूँ ना, उनका का फायदा बा? बहुत फायदा बाटे, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, डायबिटीज के लिए काफी अच्छा होता है? खाना भी पचता है, खाना जो है वो इजिली ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब खुशबू भी अच्छा रहता है। और खुशबू अच्छे रहते हैं, मतलब तीन तीन फायदे बताए दादी, क्या बात है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इससे डायबिटीज अच्छी होती है, दूसरा इससे जो डाइजेशन होता है वो अच्छा होता है, और तीसरा दादी जो स्वाद आता है ना वो एकदम उभर के बाहर आता है। देख रहे हैं कैसे? हाँ। है ना, तो बताइए कितने मार्क्स देंगे आप इनको? महारानी जी, आपने जो फायदे बताए हैं उनके लिए, उनके लिए हम आपको 10 में से पूरे 8 नंबर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू दादी जी। देवी जी आपको मिलते हैं 10 में से पूरे 8 नंबर और आपके कुल मिला के होते हैं 23 नंबर और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये।
बहुत मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी की तो शुरुआत हुई है अभी, क्योंकि आगे बहुत सारे खजाने बाकी हैं। अब इसके अंदर शक्कर डालेंगे, दादी जी को बहुत पसंद है। अरे वाह, अच्छा दादी चाइस भी पता है, चाइस। और देखिए आपका कितना ख्याल रखते हमारे मेहमान, बहुत बढ़िया। दीदी जी दादी को ले जाइए घर पे, दादी को खिलाएंगे। नहीं दादी को घर ले जाइए। हाँ ले जाएंगे ना दादी जी को, देख लीजिए। नहीं नहीं हमारे सारे खजाने लूट लेगा अकेले। अरे दादी आपको झेलने भी बहुत बड़ी बात है। अब इसको परोसेंगे। चलिए हाँ बिल्कुल। हाँ दादी जी चलिए फटाफट से इसको परोसते हैं और देखते हैं कि दादी इसके कितने मार्क्स देती है। ये लीजिए टमाटर सेब की सब्जी। ये सेव और ये बारीक सेव। सेव कर दिया हमारा मन। डालते हैं इसके ऊपर हम ये इमली की चटनी, कड़ी पत्ता, ये तला हुआ करी पत्ता, तो लीजिए झटपट बनने वाली ये सेव और टमाटर की सब्जी तैयार है। अब सेव तो घर पे होती है दादी, हम चाय के साथ खाते हैं, तो क्यों ना टमाटर के साथ उसको बना के एक नई रेसिपी बनाई जाए। हाँ दादी तो चखिए और बताइए कि कितने अंक देंगी इनको आप। खाइए दादी जी। खा रहे हैं देवी। कैसा लगा? कैसा है दादी, चटकारा आया नहीं आया? हाँ चटकारा का तो नहीं पता लेकिन मजा जरूर आया। अच्छा दादी बताइए अब कितने अंक देंगी इनको आप। ये जो सब्जी बनाए हो उनके लिए हम 20 में से पूरे 17 नंबर दे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो चलिए आपके कुल मिला के मार्क्स होते हैं 40 और आपको दादी के खजाने से मिलता है ये तोहफा। अभी के तोहफे तो आपको मिल रहे हैं काफी सारे, लेकिन मैं आपको एक मौका देता हूँ कि आप अपने ये मार्क्स डबल कर सकते हैं। तो आप करना चाहेंगी? जी एकदम में करना चाहेंगे। करना नहीं, चाहेंगी? नहीं, 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 नहीं नहीं मैं करना चाहूंगी। करना चाहेगी? अब देखिए किसको पसंद नहीं है डबल मार्क्स करना, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ रिपू के चक्कर में। नहीं नहीं ना आधी बात बताई है, आधे मार्क्स भी हो सकते हैं सिर्फ डबले डबल। दादी आप बोल नहीं पा रही तो माने सुनेंगे भी नहीं। चलिए चलते हैं रिपू के चक्कर में और देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। अब देखिए हमारे रिपू के चक्कर में साक्षात देवी आई है और अब इनको कोई प्लस 50 से रोक नहीं सकता। क्या बोलती है दादी? देवी है तो प्लस 30 तक चलेगा। चलिए देखते हैं, घुमाइए देवी जी इसको। देवी जी देवी जी देवी जी क्या बात है, लीजिए लीजिए ये रुकता है रुकता है रुकता है, किस पे किस पे किस पे किस पे, किस पे प्लस 40। वाह अब देखिए देवी जी के पास देवता जी का हाथ है ना, और ये अपने हस्बैंड को एक बार आई लव यू बोल देती है तो सब कुछ रुक जाता है। अब यहाँ पे तो रुकेगा रुकेगा। दादी क्या बोलना चाहेंगी? यार रिपू के चक्कर में हमेशा हमको चक्कर आते हैं, इस बार तो बेहोशी हो जाएंगे। हाँ तो दादी टेंशन मत लीजिए, बेहोश अगर नहीं भी होंगे तो आपको बेहोश कर देंगे हम, मतलब मजाक कर रहे हैं। चलिए देवी जी आपके टोटल अंक होते हैं अब 80। क्या बात है, बहुत बढ़िया 80 अंक मिलते हैं और आपको मिलता है तोहफा। ये है दादी के खजाने से आपके लिए बड़ा वाला तोहफा, और साथ ही साथ कुछ बोलना चाहेंगे अपने हस्बैंड? हाँ जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई लव यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए दादी भी आपको खाली आती जाने देगी, तो दादी फटाफट लेके आइए अपने हस्बैंड को, इन्होंने आई लव यू बोल दिया। अच्छा वो और बड़ा नहीं लाए वरना हम तो बेहोशी हो जाते हैं। अरे दादी बेहोश के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। हाँ देखो बेहोश, खाना ना मिला बेहोश, गिफ्ट गया बेहोश। नए जमाने के चोचले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ पे आने के लिए, और लीजिए तोहफा और जाइए अपने हस्बैंड के पास, और ऐसी कृपा बरसाने के लिए। जी जी दादी चलिए, थैंक यू। आइए दादी मेरे पास आती है। दादी आई लव यू ऑल्सो, है ना दादी? अब देखिए दादी से मैं तो प्यार करता ही हूँ, आप भी प्यार करते होंगे, तो चले चलते हैं रिपू के तड़के में
और वहाँ मैं दादी के लिए लगाऊंगा कोई तड़का और आपके लिए भी लगाऊंगा। दादी आप कमरे में जाओ, किचन में बिल्कुल मत आना, बहुत परेशान करते हो आप। चलिए लगाता हूँ मैं रिप्पू को तड़का और देखते हैं कि आज हम क्या बनाते हैं। अब देखिए बनने जा रहा है यहाँ पे मीठा। अब मीठा खीर नहीं या फिर कुछ जलेबी नहीं, रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन नहीं, यहाँ बना रहे हैं हम भाप से खाना, यानी कि स्टीम से बनाएंगे मीठा। बनेगा स्टीम योगर्ट, यानी कि भाप पे पकाया हुआ दही। अब देखिए दही कैसे पकेगा वो मैं बताता हूँ। इसमें हम इस्तेमाल क्या क्या करेंगे पहले वो बताता हूँ। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दही, ठीक है, यहाँ पे है क्रीम, ये है कंडेंस मिल्क यानी कि मिल्क मेड। अब चाहे आप देखिए इसको कंडेंस मिल्क बोलिए या बोलिए पका हुआ दूध, पका हुआ मीठा दूध, ये है वो। ये है आम, इसको जो हम स्वाद देंगे वो देंगे आम का। अब देखिए मैं यहाँ पे आम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे जो मर्जी फ्लेवर इस्तेमाल कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ये गैस ऑन करेंगे और इस गैस पे करना क्या है, हमने डालेंगे हम पानी क्योंकि स्टीम कर रहे हैं। अब देखिए जिस चीज के घर वो स्टीमर है ना, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे कटोरी तो सबके घर पे होगी, ये रखते हैं कटोरी, इस पे बनाएंगे हम और इसको ढक देते हैं पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब चलिए शुरुआत करते हैं बेक्ड योगर्ट के बैटर से। करेंगे क्या, लेंगे चम्मच। अब देखिए जो इसका रेशो है यानी कि जो इसका प्रोपोर्शन साइज है वो ये है, जितना दही का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और उतना ही ये कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे और उतना ही इस मिल्क मेड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ये एक चम्मच दही, थोड़ा सा और डेढ़ चम्मच दही, डेढ़ चम्मच क्रीम, एक डेढ़ और डेढ़ चम्मच कंडेंस मिल्क, डेढ़ चम्मच मिल्क मेड। अच्छा अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें हमने शक्कर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब शक्कर का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, अभी जो पका हुआ दूध डाल रहे हैं ना इसमें शक्कर पहले से ही होती है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये लीजिए, और इसको हम अब भाप लगाएंगे। अच्छा जिन लोगों के घर पे अवन है वो अवन पे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अवन पे, आप अपने अवन को रखिए 180 डिग्री सेल्सियस पे, जो ट्रे होती है अवन की उस पर डालिए थोड़ा सा पानी और ये कप को उस पर रख दीजिए। बेक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, बाहर निकालिए, ठंडा कीजिए और इंजॉय कीजिए। ये लीजिए ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स और यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका है। ये लेते हैं करछी और इसमें ये जो है ये डाल लेते हैं। क्या अब चाहे आप इसके अंदर थोड़े से फल डाल लीजिए, सही है। अब जो ऊपर का मैंने लेयर छोड़ा है ना वो छोड़ा है मैंने आम के लिए। अब क्या करेंगे, गैस को थोड़ा कम करेंगे। ये लीजिए भाप तैयार हो चुकी है और इस पे ये इस तरह से रख देंगे और अब इसको हम बंद कर देंगे। ये लीजिए, अब देखिए इसको हम भाप लगाएंगे कम से कम नहीं तो 10 से 12 मिनट के लिए। क्यों, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे। क्यों, क्योंकि ये अवन नहीं है पहली बात, इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो इसलिए हम इसको आँच में पका रहे हैं और आँच पे जब भी कोई चीज़ स्टीम करते हैं तो वो तकरीबन 15 मिनट तक लेता है, लेकिन फिर भी हम इसको 12 से 15-16 मिनट के बीच में देंगे। भाप लगाते हैं और उसके बाद डालेंगे ऊपर से हम ये आम और फिर चट कर जाएंगे। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं कि कहां तक पहुंचा ये हमारा बेग योगर्ट। लेते हैं ये डस्टर और लीजिए, गैस को कर देते हैं बंद। अब देखिए अब इसको करना क्या है, इसको रखेंगे हम फ्रिज में, रख के आते हैं और फिर इसको परोसते हैं। तो लीजिए अब देखिए इतने वक्त के बाद ये मीठा तैयार हो चुका है। अब बहुत आसान काम करना है जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ना, जिस तरह मैं बोलता हूँ आपको परोसना। लेंगे ये एक करछी बड़ी वाली और ये जो है आम, ये देखिए वाह
ऊपर से लगाएंगे पुदीना। तो लीजिए तैयार है ये झटपट बनने वाला मीठा। अब कब तक घर पे खीर बनाएंगे, गुलाब जामुन बनाएंगे या रसगुल्ले बनाएंगे, ये बनाइए और अपने मेहमानों के सामने अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करवाइए। और ऐसी रेसिपीज और ऐसे मेहमान यहाँ पे आते रहेंगे, और खासकर मैं अपना तड़का यहाँ पे हर रोज लेके आता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रोज हुई भोज सीजन 3 को प्रेजेंटेड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल।